पोषण आहार वितरण का काम आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दिए जाने की आशंका से स्व सहायता समूह की महिलाओं में फैला आक्रोश। शिवपुरी में सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शिवपुरी जिले में मंगलवार को स्व सहायता समूह की महिलाओं ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। स्व सहायता समूह के जिलाध्यक्ष ने बताया कि हमें मीडिया के द्वारा ज्ञात हुआ है कि सरकार स्व सहायता समूह की महिलाओं से आंगनवाड़ियों में पोषण आहार वितरण का काम छीनकर आंगनवाड़ी सहायिकाओं को सौंपा जा रहा है। इससे जिले में कार्यरत हजारों महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी। जिलाध्यक्ष ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के सभी संभागों की एक एक परियोजना की सभी आंगनवाड़ियों पर पोषण आहार बनाने और खिलाने का काम वहां पूर्व से घटित महिला स्व सहायता समूह से छीनकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को देने की योजना बनाई है। इसकी सूचना समाचार पत्रों से मिल रही है। प्रांतीय महिला समूह संघ महिला बाल विकास विभाग द्वारा जारी आदेश का स्व सहायता समूह की महिलाएं विरोध करती है। देखिए खबर। श्रीमती रूबी पारशर, आप यहाँ पर सभी महिलाएं आई है, कहाँ से आई है और आप कौन है? जी, हम लोग समूह संघ से आए हुए हैं और पिछोर, बदरवास, बोलारस सब जगह से महिलाएं आई हुई हैं, क्योंकि इनकी आंगनवाड़ियाँ हटाकर आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दी गई हैं। जबकि आंगनवाड़ी सहायिकाओं के पास तो आय का जरिया पहले से है, क्योंकि वो सैलरी बेसिस है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश की 11 लाख महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी अगर शासन आंगनवाड़ियों को हटाकर आंगनवाड़ी सहायिकाओं को देगा समूह से हटाकर। मतलब अभी तक वहाँ पर जो मध्याह्न भोजन पोषण आहार समूह द्वारा जो वितरित किया जाता था, अब वो समूह से छीना जा रहा है। छीना जा रहा है और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को दिया जा रहा है, जिनके पास पहले से आय का जरिया है, क्योंकि उनके पास सैलरी 8,000, ये तो उसी से अपने बच्चे पाल रही है। समाचार पत्रों के द्वारा पता पड़ा है। कब से आपका काम? समाचार पत्रों से हम लोगों को सूचित हुआ है जी। और हम लोग तो बहुत ज्यादा गरीब हैं, हम लोगों को कोई जरिया भी नहीं है इसी के ऊपर। अगर सरकार अपना फैसला नहीं बदलती है तो 11 लाख महिला बेरोजगार हो जाएंगी। भूख हड़ताल पर, अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठेंगे, बच्चों को लेंगे हड़ताल करेंगे, हम लोग हड़ताल करेंगे और 11 लाख महिला बेरोजगार हो जाएंगी। कह रहे थे।